बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 नहीं, इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा तो इनका बजट नहीं इस बार का जितना बड़ा नाम है। अच्छा, पहले जो लोग छाती ठोक के कहते थे भाई मैं बिग बॉस का दीवाना हूँ, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बिग बॉस, साला अब छाती पीट रहे क्या आ गया ये क्यों आ गया ये। एक तो इन लोगों ने बिग बॉस में पूरा कचरा भर दिया उठा के, 14 कंटेस्टेंट है। अरे भाई मतलब कुछ तो ऐसे इनके नाम भी नहीं जानता, अरे कुछ के ही जानता हूँ, जैसे एक बड़ा पाव वाली हो गई, अरमान मलिक हो गया, फिर एक वो रणबीर सोरे है, ऐसा करके कुछ बंदे, कटारिया उसको तो भूल गया मैं, कटारिया भी आ गया इस बार। बताओ पहले बॉस फिर चेला, क्यों हिला डाला ना। तो जिस हिसाब से यूट्यूबर का बिग बॉस पे हो रहा है कब्जा, मेरे को लगता है मेरा जल्दी नंबर आने वाला है, तो फटाफट से कुछ वीडियो और बनाता हूं, उनकी नजर में आ जाता हूं कि भाई ये बंदा बिग बॉस को बार बार रोस्ट करता है, इसको भी लेके आओ एक बार। और अगर भाई मैं चला गया ना बिग बॉस में, भगवान कसम खा के कह रहा हूं मैं रोस्ट वीडियो करना ही बंद कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं चालू करूंगा ब्लॉगिंग। मगर क्यों? क्योंकि इतने सारे रोस्टर है इंडिया में, लेकिन अभी तक वहां बिग बॉस में कोई नहीं पहुंचा, लेकिन एक लड़की ब्लॉगिंग करते करते शिवानी गांव का ब्लॉग करते करते वहां पहुंच गई। आप तो अंदर थे, बाहर थे, बड़ा पाव वाली बड़ा पाव बेचते बेचते वहां पहुंच गई, कटारिया एल्विस की वहां पहुंच गया, वो अरमान मलिक दोनों बीबी के साथ प्रैंक करते करते वहां पहुंच गया, लेकिन हम लोग यहां से शुरू हुए यहीं पे खत्म हो जाएंगे, यहीं मर जाएंगे लगता है। तो भाई ये है अरमान मलिक, ये भाई ऐसा बंदा है जो यूट्यूब पे सिर्फ प्रैंक करता अपनी बीबियों के साथ, ऐसा क्या प्रैंक किया जो सीधा बिग बॉस में, वो भी दोनों बीबी को लेके चला गया, कोई भाई एक बीबी को लेके नहीं जा पा रहा, ये दो बीबी को लेके जा रहा, वो इधर बेचारी बड़ा पाव वाली वो अकेले गई है, उसका वो अंधा पति अभी बाहर है, उसको लेके आते भाई, उसको क्यों छोड़ दिया तुमने, क्योंकि बड़ा पाव वाली फेमस इसके चक्कर में तो ही थी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे पापा। तो आ जाओ भाई, आज देखते बिग बॉस सीजन ओटीटी 3। वैसे मन तो नहीं है देखने का, लेकिन क्या करें, थोड़े व्यूज अपन को भी कमाने हैं, तो कान में जल्दी से ईयरफोन लगा के आ जाओ। बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। अनिल कपूर साहब का चेहरा देखो भाई, पूरा एक्टिंग में डूब गए, इनको क्राइंग, ही इज क्राइंग, रोइंग, ये रो रहे हैं इसकी कहानी सुन के। एक या दो महीने की सेविंग थी साथ में, बाकी कुछ नहीं, हाथ बहुत ज्यादा टाइट था। कितनी गरीब थी ये, कितनी गरीब थी, इतनी गरीबी के बावजूद भी इसके पास चेहरे पे पोतने के लिए मेकअप था, इतनी खूबसूरती थी, ड्रेसिंग सेंस इतना बढ़िया था, बड़ा पाव बेच रही थी, जब इसका ड्रेसिंग सेंस देखा आपने भाई, ऐसे बड़े बड़े घर की लड़कियां पहनती है, लेकिन फिर भी ये गरीब थी, दो महीने की सैलरी थी इसके पास सिर्फ। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। हमीद क्या है, क्या तुमको क्या दिख, अरे तुम क्या सोच के आते हो कि ऑडियंस तो पागल है, इसको कुछ भी दिखाओगे देख, अरे मैं तुम्हारी एस्थेटिक कर दूं मैं। सेविंग से 10,000 की सेविंग था, उससे रेडी होता है ठेला, इसको जो करना था इसने कर लिया, जो चाहा वो मिल गया भाई। वहाँ दिल्ली की सड़कों पे रोते रोते यहाँ रोने आ गई, मतलब जहाँ भी जाएगी वहाँ रोएगी। इसके लाइफ में दो ही चीज कॉमन है, या तो रोएगी या लड़ाई करेगी। बात तो सही है। सोचा क्या था कि ना लोग हमें फेक समझते हैं। समझते नहीं भैया, आप फेक हो, जिधर देखे उधर घर में कैमरा लगा के अपनी दोनों बीवी के साथ प्रैंक करते रहते हो। सबसे बड़ी बात है उसको लोग देखते हैं, मेरे जैसे लोग देखते हैं, क्योंकि हमको रोस्ट करना होता है इसलिए हम देखते हैं। तुम लोग क्यों देखते हो भाई? झूठे समझते, उनको लगता है कि ये दो बीवियां जो है ना ये कॉन्सेप्ट के लिए रखी हुई हैं, व्यूज के लिए रखी हुई हैं। वो तो हमको ही पता भाई, बीवी को तुमने कंटेंट के लिए रखा है, बीवी मतलब वीडियो बनाओ, बीवी मतलब रील बनाओ, बीवी मतलब इनको योगा करवाओ, जिम करवाओ, उसका भी वीडियो बनाओ, बीवी मतलब पैसे कमाओ। आई नो वेरी वेल, डोंट माई मुंह ओपन करिंग वरना बहुत पोल खोलिंग। कोई दिक्कत नहीं हुई लग रहा है यार, तू बहुत से अपसेट लग रही है बाबू। हां मुंह को लग रहा है नहीं, हम बोलेंगे। तो दोस्तों दिल थाम लो, अब होने वाला कुछ खतरनाक। गुना कर रही रोटी बना के। ए डोंट क्राई, शट अप। इतनी सी बात पे रो गई, मारो भाई इसको, बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड दो इसको, इतना बड़ा अवार्ड दो, इतना बड़ा 20 मिनट का अवार्ड दो इसको, ऐसे नहीं। बताओ कौन सी बात पे रो गई, रोटी बनाने वाली बात पे रो गई, और उधर तू रेडी लगाती थी, बड़ा पाव बेची थी, वहाँ दिन में 500 बड़ा पाव बनाती थी, या 5 रोटी बनाने में इसकी हालत खराब हो रही है, रो रही है ये। नहीं यार गलत बात हो रही है, आपको पता ना खिलाने से पुण्य मिलते हैं, ऐसे मत हो। सब लोग मिलके इसको तसल्ली दे रहे, बहन चुप हो जा, बहन चुप हो जा, लेकिन बहन है कि चुप होने का नाम ही ले रही है। बहन भी लाइक, मेरे को बहुत दुख है, मेरे को तुम लोग बिग बॉस में लाके मेरे साथ अत्याचार कर रहे हो, मेरे से रोटी बनवा रहे हो, मेरे को तुम लोगों ने क्या भाई समझ रखा, मैं इधर क्या झाड़ू पोछा करने के लिए आई हूँ। तुमको पता है मैं उधर दिल्ली की सड़कों पे बड़ा पाव बेचती हूँ, मेरे को देखने के लिए लोग लाइन लगाते चूतिया लोग। और ऐसा नहीं है भाई, सिर्फ ये लड़ती है खाने के लिए, ना ना ना, पूरा परिवार लड़ता बिग बॉस का खाने के लिए, कुत्तों की तरह लड़ते हैं। जो अंडा भी खा रहा है वो सिर्फ अंडे पे नहीं जी सकता।
ये बंदा बॉलीवुड का सुपरस्टार है, ये भी खाने के लिए लड़ रहा अंदर आके। अरे भाई गरीब आदमी भी लड़ता खाने के लिए, अपने हक की रोटी किसी को दे देता है कि भाई तू खा पुण्य लगेगा। ये साले बड़े बड़े घरों से आके एसी वाले कमरों में से यहाँ पे आके रोटी के लिए लड़ रहे हैं। अरे ये सब उन लोगों का दिखावा है, दिखावा। आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि नॉन वेजिटेरियन लोग और कुछ खाएंगे नहीं। अरे तो तुम लोग क्या इधर फाइव स्टार होटल में आए हो क्या जो तुम लोगों को इधर मेन्यू दो? मैं कह रहा हूँ जो खाना है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए, जिसको जो खाना है वो बाद में एक्सचेंज कर ले। माय गॉड, गाली खा जाओगे। खाना बराबर डिवाइड कर रहे सालों, गरीबों के देवता सुअरों। जो वेज वाले हो चिल्ला खाएंगे और जो अरे कटारिया भाई तू तो मत लड़, कम से कम खाने के लिए अंदर जाके। भाई तुम लोग तो बाहर लंगर लगाते हो गरीबों के लिए, इनको गरीब समझ के दान दे देना। वो वाले हैं भाई, नॉन वेज थोड़ा ढंग से खड़ा हो ना ऐसे, यहाँ तो पैर ही तो रखा भाई तुम्हें कुछ। ओ भाई ऐसे कर दिया तूने, अब देख लड़ाई होगी, अब देख तू, तू देख, तू तू देख, तू खड़ा कैसे हो गया ऐसे? तमीज होनी चाहिए तुमको। ठीक है सॉरी, बात कर रहा है तू, बैठ मैं तेरे को दिखाता हूँ। हेलो, हाँ हाँ हेलो भाई कटारिया, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू गरम मत हो जाना, क्योंकि भाई ये बंदा तो गरम हो चुका है, इसको थोड़ी सी में दिक्कत हो गई। तू टेढ़ा कैसे हो गया? अगर गलती से कटारिया इसके सामने खुजाल ले तो मेरे को लगता है ये बंदा बिग बॉस का हाउस अपने माथे पे उठा लेगा गुस्से में, कहेगा तेरी इतनी हिम्मत तूने मेरे सामने खुजाला, मैं तेरा खुजालूंगा, रुक तू मत खुजाल। अब मैं ऐसे तेरे साथ खड़ा होके बात करूं तेरे को कैसा लगेगा? कर लो। मतलब जो ऑडियंस देख रही है वो है अखंड चूतिया, और तुम लोगों समझदार, तुम लोगों को जो डिसाइड कर लिया है कि तुमको अंदर जाके सिर्फ लड़ना है, लड़ना है, लड़ना है। अबे लड़ाई इतनी देखनी होगी तुम सास बहू का नाटक क्यों नहीं देखेंगे? उसमें ज्यादा लड़ाई होती है और अच्छा भी लगता है, उसमें बहुएं कितनी जमजुमा के आती है। और तुम जैसे गैल चौधरी को देखेंगे हम, साला जो बंदा दो दो बीवी लेके जा रहा है, कोई बंदा ये देखो बनियान में घूम रहा है, ये बंदा जिसका फिल्मी करियर नहीं चल रहा है, ये बंदा जो दूसरों की क्या बॉस की थोड़ी नाम ले लेके यहाँ तक पहुँच गया है। तू समझा? ये भैया ऐसे बर्तन मांजे जाते हैं, पहले खाने के मैटर में लड़ते, अब बर्तन मांजने के मैटर में लड़ाई करेंगे। देखो आ गया, ये देख ले मुर्गा लगो इनमें। अरे वो एक्टर है भाई, उससे तुम मुर्गा वाला बर्तन मांजवा रहे हो। लगो चिकन मटन था। हाँ इन घनचक्करों को ये तक होश नहीं है रात में क्या खाया, एक बोल रही चिकन, एक बोल रहा मटन, कोई आके बोलेगा हमने रात में अंडे खाए, कोई बोलेगा हमने ये खाया। अबे क्या सालों दारू पी के सोते हो क्या तुम लोग? बिग बॉस हाउस में दारू अलाउ है क्या? हो भी सकता है जब फोन अलाउ कर दिया इस बार कि तुम फोन चला सकते हो अंदर बैठ के। हे राजा जी, ए राजा जी, धीरे धीरे पता कहेंगे तुम अपनी बीवी को भी ले जाओ, तुम हनीमून स्पॉट बना दो इसको, कहाँ शिमला मनाली में खर्चा करते हो, बिग बॉस हाउस में जाके हनीमून मनाओ। सही है, ऐसा होगा तो फिर हमको मजा आएगा देखने में, फिर मैं देखूंगा बिग बॉस। बड़ा हरामी हो बेटा। ना मेरी ड्यूटी थी ना मैंने धोया, मैं फिर कह रहा हूँ तमीज से बात करो मेरे साथ। तमीज से बात करो? नहीं तेरे को उसने क्या बोला? एक तो ये बंदा छोटी छोटी बात में चिढ़ रहा है, मेरे को लग रहा है सबसे पहले बिग बॉस से यही बाहर जाएगा। अरे नहीं उसने बोला क्या, वो बढ़िया से भैया भैया कर रही है, कटारिया थोड़ा सा टेढ़ा खड़ा हो गया, इसमें उसको दिक्कत हो रही है। भाई जब इतनी दिक्कत है तो घर में जाके बैठ, अब समझ में आया बॉलीवुड वालों ने लात क्यों मारी है? किसने बोला है? तुमने बोला। कब बोला? जब बार भैया के साथ बोल रहे थे हम। ये दोनों लड़ रहे, आजू बाजू के लोग देखो कैसे देख रहे, अच्छा अभी इनका लड़ाई खत्म होगा उसके बाद हमको लड़ना है। मैं फिर वो बंदा वो देख रहा मैं किससे लड़ूंगा, इससे, अच्छा इससे लड़ूंगा मैं। बिग बॉस मतलब लड़ाई, बिग बॉस मतलब पानीपत का युद्ध, बिग बॉस मतलब जीते भी सुयुद्ध एनीवेज वीडियो यही खत्म करते हैं। आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और भाई इसी तरह से मजेदार कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए बाय बाय।